हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि फ़ोटो के ऊपर ग्रिड किस तरह से बनाते हैं और उस ग्रिड के इस्तेमाल से हम किसी का भी स्केच किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में सिखाने जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जो मैं ऐप बता रहा हूँ उस ऐप पर ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा, जो ऐप है उसका नाम है ग्रिड ड्रो ग्रिड। इस ऐप के अंदर आपको ग्रिड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके करना है। यहाँ पे आपने जहाँ पे आपका फ़ोटो होगा वहाँ से आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो मुझे उस बच्चे ने जो फ़ोटो भेजा था वो व्हाट्सएप के द्वारा भेजा था, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप इमेज में जाके वो वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करूँ। आप देख सकते हो कि मुझे वो फ़ोटो मिल गई है। तो ये वाली फ़ोटो जो है उसको मुझे बनाना है, उसका स्केच किस तरह से तैयार करना है वो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस ऐप का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो देखिए। यहाँ पे लिखा है ग्रिड ड्राइंग, उसके सेटिंग में जाके आपको ये सारे टिक मार्क करने हैं। और लाइन के लिए आप चाहे तो वाइट कलर सिलेक्ट कर दे और ओके कर दे। तो यहाँ पे प्योर वाइट बीच में आएगा, तो जो भी कलर चाहिए आपको उसको अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है और बाहर निकल जाना है। अब यहाँ पे जो ग्रिड है तो वो कितनी ग्रिड करनी है वो यहाँ पे बताए। तो मेरे फ़ोटो के अंदर मैं यहाँ पे 5 ग्रिड लूँगा। या 4 और उसे मैं 5 ले लेता हूँ और उसे ग्रिड के ऊपर टिक कर देता हूँ। तो जो हमने सिलेक्ट किया था वही सिलेक्शन पूरा वाइट लाइन में आ चुका है। तब इसको हम कर देंगे सेव, लेकिन सेव करने से पहले हम इसको ब्लैक एंड वाइट कर देंगे जिससे हमें शेडिंग करने में और आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। और इसे सेव कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस तरह से फ़ोटो को मोबाइल से देख रहा हूँ। आप लोगों को शायद बहुत परेशानी हो रही देखने में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मोबाइल को खड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना जो पेपर है वो A4 साइज़ का है, जिसका साइज़ है 28 सेंटीमीटर से लेकर 32 सेंटीमीटर का। तो अब हमें हमारा ये स्केच ड्राइंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने 4 बॉक्स तैयार किए, 1 2 3 4, और नीचे की तरफ 1 2 3 4 और 5 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, यानी हमें यहाँ पे जितने बॉक्स है वो इतने ही बॉक्स इस पेपर में भी बनाने हैं। तो किस तरह से हम ये काम करेंगे वो आपको देखना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स का जो माप है वो मैंने 60 सेंटीमीटर रखा है, यानी ये पूरा स्क्वायर बॉक्स बनेगा 60 सेंटीमीटर। आप स्केल की मदद से 60 सेंटीमीटर का माप लेंगे और इतने सारे बॉक्स हूबहू तैयार करेंगे जिस तरह से मैंने तैयार किया है। और बाद में आप अपने मोबाइल में जूम करेंगे फ़ोटो को, जितना जूम आप लोग कर सके उतना करेंगे और नीचे की साइड लाएंगे जहाँ पे हमें ड्राइंग दिख रही है, जिस बॉक्स में कहाँ से चालू हो रहा है तो वो वाले बॉक्स में हम देखेंगे। तो यहाँ पे सारे फ़ोटो हमें अच्छी तरह से दिख रहे हैं।
तो यहाँ पे मैंने किस तरह से काम किया है वो आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 5x5 का जो माप लिया था रो में, उसके अनुसार ये वाली फ़ोटो के ऊपर रेड कलर की लाइन आ चुकी है। अब ये लाइन के अनुसार हम लोग ये ड्राइंग पेपर पे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो बिन जरूरी हिस्सा है उसे मैं क्रॉप कर लूँगा। तो क्रॉप करके मैं क्रॉप करने के लिए पिकसक टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने पहले से ही क्रॉप करके रखा है, तो मैं वो वाला फ़ोटो यहाँ से सीधा ही अपने पिकसार्ट में जाकर ले लूँगा। तो मेरे पेगी तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरह से मैंने ड्राइंग तैयार किया है, और बिल्कुल वैसे ही मैंने ड्राइंग यहाँ पे भी बनाया है। तो अब मैं आप लोगों को शायद पेंसिल का ड्राइंग ठीक से ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पर मेरे पेपर का जो साइज़ है वो 28 सेंटीमीटर है और सीधे में 37.5 cm यानी 30.5 सेंटीमीटर का है। यहाँ पेपर के ऊपर मैंने लिखा ही है, और एक बॉक्स का जो माप है वो 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। ये बॉक्स यहाँ पे 4 आएंगे, जिस तरह से यहाँ पे फोटो में हमें दिख रहा है 4 बॉक्स, बिल्कुल वैसे ही हमें 4 बॉक्स तैयार करने हैं। और यहाँ पे 5 बॉक्स और यहाँ पे बिल्कुल 5 बॉक्स। तो हमें एक पेपर के ऊपर बिल्कुल सही मात्रा में सेम टू सेम स्केल रखकर 60 सेंटीमीटर के ऐसे 4 बॉक्स बनाने हैं और सीधे में 5 बॉक्स। और उसके बाद जो बॉक्स के अंदर हमें ड्राइंग दिख रहा है उसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो पहले बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। सेकंड बॉक्स के अंदर हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने पेंसिल की मदद से ड्राइंग किया है, लेकिन शायद आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो में ना दिखे, इसके लिए मैं मार्कर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जहाँ से ड्राइंग शुरू हो रही है, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे बिल्कुल जहाँ से ड्राइंग स्टार्ट होती है बिल्कुल वैसे ही मैं ड्राइंग करूँगा। और पहले बॉक्स के अंदर जितना हमें काम दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर बाल आ जाते हैं, और यहाँ पे कान है, तो कान की ड्राइंग भी हमें अच्छी तरह से करनी है। देख देख के इस तरह से देख देख के जो लाइन जहाँ पे आ रही है बिल्कुल वैसे ही हमें लाइन तैयार करनी है। पहले हम आउटलाइन करेंगे, क्योंकि इस पिक्चर के अंदर मुझे सिर्फ आउटलाइन कैसे करना है वो ही सिखाना है, तो मैं उसी के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर इतना ही काम है, यहाँ पे थोड़ा दाढ़ी पे लाइन है, और यहाँ पे आटे आटे ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है। पहले बॉक्स के अंदर जितना काम है वो मैंने पूरा किया, अब धीरे धीरे उसके बगल में आना है। जिस तरह से मोबाइल के अंदर दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, और अच्छी तरह से ये बॉक्स के अंदर जितना स्केच है उसी के ऊपर मैं ड्राइंग करूँगा। ब्लैक कलर का मार्कर इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, कि आपको अच्छी तरह से दिखे। जहाँ पे जो बाल है उसकी भी डिटेल हम दे सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर के अंदर मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बस आउटलाइन कैसे करना है वही मैं बता रहा हूँ। तो इतना ही इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इतना मैंने ड्राइंग कर लिया है, अब बॉक्स के अंदर आटे आटे में यहाँ पे ड्राइंग करूँगा आईब्रो, दूसरी आईब्रो, और यहाँ पे आँखों का ड्राइंग। बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे, जो बॉक्स में जितना हमें काम दिखता है उतना ही काम हमें करना है। अभी यहाँ पे आँख पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। अब आईब्रो थोड़ी डार्क कर दूंगा मैं।
आप लोग पेंसिल से जब काम करें तो ये सब चीज़ें करते चले। अब ये वाले बॉक्स में काम ख़त्म हो जाता है तो आगे के बॉक्स में कुछ नहीं है तो हमें वो हिस्सा छोड़ देना है। अब यहाँ पे आएंगे हम ये वाले बॉक्स में, तो यहाँ पहले बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो कपड़ा ही है, तो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे। इस तरह से अगर हम बार बार ड्राइंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा ड्राइंग आसानी से हूबहू तैयार हो जाएगा। मेजरमेंट से जब भी हम काम करते हैं तो हमारे ड्राइंग हमेशा परफेक्ट ही बनते हैं। तो ये तरीका काफ़ी बेस्ट है। मैं अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग के अंदर हमेशा यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। और किस तरह से पोर्ट्रेट ड्राइंग के अंदर शेडिंग करते हैं वो मैंने अपने कई वीडियो में बताया है। पेंसिल से कौन कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करनी है, तो वो सारी डिटेल अगर आपको देखना है किस तरह से शेडिंग करते हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे पोर्ट्रेट का एक पूरा फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे मैंने बॉलीवुड स्टार के और फेमस लोगों के पोर्ट्रेट तैयार किए हैं, आप वो चेक करें। तो इस तरह से वन बाय वन एक एक बॉक्स के अंदर हमें काम करना है और पूरा ड्राइंग हमें फिनिश करना है। तो यहाँ पे अब वापस आएंगे नेक्स्ट बॉक्स में, जो बॉक्स में हमें जितना दिखता है उतना ही हमें काम करना है। उस तरह से हमारा ड्राइंग एकदम परफेक्ट बनता जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाले बॉक्स में हम काम करेंगे। जिस तरह से आप नीचे ड्राइंग करते हैं उसी तरह मोबाइल में भी आपको अपनी फ़ोटो रोटेट करनी। अब यहाँ पे मूंछ, नाक, यहाँ पे शेडिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे वो हिस्सा, ये हर एक चीज़ आपको देखकर करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जितना प्रैक्टिस करोगे ये तरीका काफ़ी आसान हो जाता है और ड्राइंग हमारी काफ़ी अच्छी और सुंदर बनती है। तो हमेशा काम करने के टाइम पे ये सब चीज़ों को ध्यान रखें। हमारा ये वाला ड्राइंग फिनिश हो चुका है। ख़ास करके जो मेन चीज़ होती है मुंह, वो मुंह एकदम परफेक्ट आ गया है। हम चाहे तो और डिटेल में हल्की हल्की पेंसिल चला के यहाँ पे शेडो, लाइट पोर्शन और डार्क पोर्शन भी हल्का हल्का ड्राइंग कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन किस तरह से तैयार करते वही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में काम नहीं करूँगा, सिर्फ आउटलाइन किस तरह से पोर्ट्रेट तैयार करते वही मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो अब पूरा वीडियो देखिएगा, अब मैं थोड़ा काम फास्ट कर रहा हूँ।